मुझे उत्तर प्रदेश के नौजवानों का विशेष अभिनंदन करना है। 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि थी और उस दिन पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों नौजवान एकता दौड़ के लिए दौड़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करके दौड़े और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया। दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनने वाली है। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। अमेरिका में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उससे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दो गुना बड़ी होने वाली है, डबल। 2014 का चुनाव कैसा होगा उसका एक ट्रेलर अभी अभी हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 4 राज्यों में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन। कुछ लोग मानते हैं दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, ये तो कुछ ठेकेदार मानते हैं कि उनकी जेब में है। सालों से ये लोग दलित को, पीड़ित को, शोषित को, आदिवासी को इंसान मानने को तैयार नहीं थे। वे उसे वोट बैंक मानते थे, वोट बैंक मानते थे। कांग्रेस पार्टी गरीबों की बातें हर बार करती आई है। चुनाव आते ही कांग्रेस को गरीब याद आते, वो गरीबी की माला झपना शुरू कर देते हैं। लगातार कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला, वे गरीबों की गरीबी की बातें करते रहे लेकिन गरीबों की जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं? 60 साल में बदलाव ना आए ऐसा तो देश नहीं हमारा।